नरेंद्र मोदी ने जब से देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला है तब से लगातार स्वदेशी, स्वावलंबन और आत्मनिर्भर भारत की बात करते रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग एनडीए सरकार की नीतियां बनती रही हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका india.com पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की एक विशेष कार्यक्रम की जो भारतीय नौसेना की तरफ से आयोजित किया गया था, जिसका नाम है NIIO स्वावलंबन, यानी नवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन। और इसी के अंतर्गत जब प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे तो प्रधानमंत्री ने स्प्रिंट चैलेंज का भी शुभारंभ किया। स्प्रिंट चैलेंज क्या है, NIIO क्या है, इसकी बात करेंगे हम इस वीडियो में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय नौसेना, भारतीय थलसेना और भारतीय वायुसेना ने, साथ ही साथ DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक के अपने पड़ाव में, अब तक के अपने सफर में बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन आने वाले समय में इन सभी क्षेत्रों के लिए, इन सभी के लिए बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि आने वाला समय वॉरफेयर जो है वो बदल रहा है और अब न सिर्फ एयर, नेवल और थल सेना को लड़ाई लड़नी है बल्कि साइबर वॉर, स्पेस वॉर और इसके अलावा इकोनॉमिक और सोशल वॉर भी शुरू हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है ये पूरा कार्यक्रम और इस कार्यक्रम से भारतीय सेना, चाहे वो नौसेना हो, थलसेना हो या वायुसेना, इसमें क्या परिवर्तन हो सकता है। 75 इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज का निर्माण एक प्रकार से पहला कदम है। हमें इनकी संख्या को लगातार बढ़ाने के लिए काम करना। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि भारत का जब अपनी आजादी के 100 वर्ष का पर्व मनाए उस समय हमारी नौसेना एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 18 जुलाई को नई दिल्ली में नवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन NIIO स्वावलंबन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत रक्षा क्षेत्र का एक प्रमुख स्तंभ है। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय सेनाओं में आत्मनिर्भरता 21वीं सदी के सशक्त और समृद्ध भारत के लिए बेहद जरूरी। पीएम ने स्प्रिंट चैलेंज का शुभारंभ भी किया, जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है और आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नौसेना में 75 नई स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को शामिल करने का लक्ष्य भी तय किया गया है। NIIO सेमिनार स्वावलंबन में प्रधानमंत्री ने कहा, हमारा रक्षा क्षेत्र जल्द आत्मनिर्भर बनेगा। ये सेमिनार 2 दिवसीय है। इसमें उद्योग जगत, शिक्षा क्षेत्र के लोग और सरकार भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंथन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस का नाम लिए बिना भी उस पर निशाना साधा और कहा कि जिस भारत में बनने वाली युद्धक सामग्री द्वितीय विश्व युद्ध तक सर्वश्रेष्ठ हुआ करती थी, उसी भारत को दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा इंपोर्टर क्यों बनना पड़ा। इसी कार्यक्रम में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माइक संभाला तो उन्होंने कहा कि आज का दिन देश के रक्षा क्षेत्र के लिए, देश की प्रौद्योगिकी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन 1980 में भारत ने अंतरिक्ष में छलांग लगाई थी और रोहिणी सैटेलाइट को स्पेस में भेजा था। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत आज 75वीं सालगिरह मना रहा है अपनी आजादी का, और ऐसे समय में भारत का यह प्रयास है कि इस साल यानी चालू वित्त वर्ष में भारत की जो रक्षा खरीद है वो कुल 75% यानी 75% स्वदेशी हो। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अगर हम 2015 से लेकर 2022 के बीच इन 7 वर्षों का या 8 वर्षों का डेटा देखें भारत की रक्षा खरीद का, तो उसमें बहुत अंतर आया है। और यही प्रयास है स्प्रिंट चैलेंज और NIIO कार्यक्रम का। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए india.com के साथ, और हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।